दोस्तों वेलकम बैक तनुजा बुटीक यूट्यूब चैनल में। आज आपको 10 तरीके के सिंपल गले की कटिंग करना बताऊंगा, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसमें मैं आपको दो तरह के की साइड गले की कटिंग बताऊंगा। आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, लंबाई में 7 इंच और चौड़ाई में भी 7 इंच मैंने यहाँ पर लिया है। इसी तरीके से मैंने सभी बुकरम की कटिंग कर ली है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 7 इंच जो लंबाई में लिया है, वो यहाँ पर मैं 6 इंच गले की कटिंग तैयार रखूँगा। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा हो तो आप 7 इंच की जगह लंबाई बढ़ा सकते हैं। और चौड़ाई हमें यहाँ पर 2.5 इंच लेना है। ये जो साइज़ है दोस्तों, ये जो है बिल्कुल मीडियम साइज़ रहती है 2.5 इंच गले की। अगर आपके साइज बड़ी हो तो उसके हिसाब से आप 2.75 इंच चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 6 इंच हमें गला तैयार रखना है, तो यहाँ पर 0.5 इंच बढ़ा के लेना होगा। और हम सबसे पहले इस गले को हम गोल शेप में कटिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैं गले की कटिंग कर रहा हूँ, ये वो गले हैं, सिंपल गले हैं, जो अक्सर बनाए जाते हैं, या आप इसे सदाबहार गले भी कह सकते हैं। जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और इनको बनाना भी आसान होता है। इस तरीके से देखिएगा आप, सबसे पहले नंबर का मैंने यहाँ पर गला कटिंग किया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसमें नंबर भी डाल देता हूँ। इसी तरीके से हमें दूसरे गले की कटिंग करना है। यहाँ पे मैंने चौड़ाई 2.5 इंच ली है। नाप सभी का सेम रहेगा दोस्तों। अब देखिए कि हमें इस तरीके से शेप देना है। ये हल्का राउंड में आएगा, वी शेप में आएगा, यानी पूरा वी शेप में भी नहीं आएगा, हमें हल्का सा इसमें राउंड देना होगा। दोस्तों मैं आपको लास्ट में दो गले साइड वाले भी दिखाऊंगा, जिन्हें कटिंग करना काफ़ी आसान है। मैं इसमें भी नंबर डालूंगा दोस्तों। आप इसमें से बताइएगा कि आपको कौन से नेक की कटिंग काफ़ी अच्छी लगी है, उस नंबर को आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हमने यह बुकरम लिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ से हमें फिर इस तरीके से हल्का शेप देना है और बाहर हमें 0.5-0.5 इंच का मेज़र रख के कटिंग कर लेना है। दोस्तों हमें इस तरीके से सिंपल गले की, जो आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट नेक की कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। इसमें हमें जो शेप देना है दोस्तों, इस तरीके से राउंड देना है और यहाँ से हमें इस तरीके से घुमा लेना है। और इसमें भी बाहर की ओर इस तरीके से 0.5 इंच पर मैंने यहाँ मार्क किया है और कटिंग कर लेंगे। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसको हमें इस तरीके से शेप देना है, या आप इसको कंगूरा शेप भी कह सकते हैं। दोस्तों आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपको लाइक करने का कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा आप, ये शेप काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। ये हमारा 5 नंबर का गला कटिंग हो चुका है। अब हमें यहाँ पर आप देखिएगा, डायरेक्ट इसी तरीके से यहाँ जो इसकी हाफ साइज़ है, वहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट इस शेप में कटिंग कर लेना है।
दोस्तों मेरे चैनल पे और भी मैंने सलवार कटिंग, कुर्ती कटिंग, पैंट कटिंग के वीडियो डाल रखे हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगले गले की शेप इस तरीके से देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों आपको अगर कोई सा भी गला अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से नंबर के गले की कटिंग अच्छी लगी। इसको हम इस तरीके से शेप देंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने इन गलों की कटिंग की है, लेकिन अब हमें साइड गले की कटिंग करना है। साइड गले की कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से इसको फोल्ड नहीं करना है, पूरे को इस तरह से बिछाना है। और यहाँ पर मैंने 5 इंच टोटल चौड़ाई ली है, जैसे हमने उसमें 2.5 इंच ली थी, यानी इसकी डबल करेंगे तो 5 इंच चौड़ाई मिली है। लंबाई हमें इतनी ही रखना है जितनी उसमें रखी थी। और यहाँ से शेप देना है हमें, आप देखिएगा इसी तरीके से। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इसकी आप कटिंग कर लेंगे। अभी हम लास्ट गले की कटिंग करेंगे। दोस्तों साइड गले की हमें इसी तरीके से कटिंग करना होती है, हमेशा इसी तरीके से आप कटिंग करिएगा। बस आपकी जो लंबाई है उसके हिसाब से आप लंबाई बढ़ा लीजिएगा, जितनी भी लंबाई है उससे 1/2 इंच लंबाई ज़्यादा बढ़ा लेना है। इसका शेप हम इस तरीके से देंगे। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे दिखाई दे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब को टच ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस तरीके से हमने 10 गले की कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी सिंपल गले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।